द स्मार्ट इंटरनेशनल स्कूल में समूह स्टाफ की अगुवाई में तीज का त्यौहार मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम पेश किया गया, जिसमें बच्चों ने भांगड़ा, गिद्दा, नाटक आदि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बच्चों को अपनी सभ्यता से जोड़े रखने के लिए स्कूल की तरफ से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को बताया गया कि तीज का त्यौहार हमारे सभ्याचार में बेहद महत्व रखता है, जिसके चलते स्कूल में तीज का त्यौहार बड़े हर्षों उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान बच्चों ने झूलों का भी बहुत आनंद लिया। इस दौरान सभी बच्चों को टॉफियां और चॉकलेट्स बांटी गई। इस अवसर पर स्कूल प्राचार्य बलबीर सिंह, प्रिंसिपल कुलविंदर जीत कौर, नवजोत कौर, रितिका, समिता, अमृत, शिखा और महक चौहान भी शामिल थे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। मैं बलबीर सिंह, चेयरमैन द स्मार्ट इंटरनेशनल स्कूल। अज द स्मार्ट इंटरनेशनल स्कूल दे विच तीज का त्यौहार बड़ी धूमधाम नाल मनाया गया, जिहदे विच बच्चियां ने सैलीब्रेट किया। सारे स्टाफ ने पींघां झुकियां, बच्चियां नूं मठिआईआं वंडियां गईआं। मेरे वल्लों ते सारे स्टाफ वल्लों बहुत बहुत सारे इलाका निवासियां नूं बहुत बहुत वधाईआं। किंग साइरस कंबोजा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान डॉक्टर इकबाल सिंह की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें डॉक्टर लियास मसीह खोखर ने साथियों सहित शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर इकबाल सिंह ने किंग साइरस की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किंग साइरस को तीन नामों से जाना जाता है। ईसाई धर्म में इन्हें साइरस, मुस्लिम भाईचारे में इन्हें जुलकर नैन और उनके माता पिता द्वारा रखे गए नाम कोड़ा कंबोजा के नाम से जाना जाता है, जिसकी पुष्टि उनकी समाधि की खुदाई के दौरान नीचे से निकली साइरस सिलेंडर करता है। इनका जन्म यीशु मसीह से 600 साल पहले हुआ था। साइरस ने अपने जीवन में 29 साल तख्त पर राज किया और एक छोटी सियासत को बहुत बड़ी सल्तनत में बदल दिया। इस मौके पर ईसाई धर्म के प्रचारक न्यूटन मसीह, वीरेश मसीह, विलियम मसीह, विक्टर मसीह, सुशील मसीह, थॉमस मसीह के अलावा किंग साइरस की जीवनी पर अलग अलग देशों में खोज कर रहे सरबजीत सिंह कोड़ा के बड़े भाई रंजीत सिंह कोड़ा, अरविंदर विजय सिरोन भी मौजूद रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर इकबाल सिंह है जी, डॉक्टर इकबाल सिंह कंबोज। मैं अमृतसर का रहने वाला। किंग साइरस कंबोजा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का पंजाब की प्रधानगी मेरे को साड़ी एक इंटरनेशनल लैवल से कंबोज संस्था बनी आ, जिहदे मुख ऑर्गेनाइजर ने अमेरिका न्यूयॉर्क शहर से बैठे सरबजीत सिंह कौड़ा, जिहड़े कि किंग साइरस जिन्हों कौड़ा कंबोजा आते हैं, इस्लाम वाले जुलकर नैन बोलते हैं, उन्होंने खानदान नाल उन्होंने DNA रलिया। ये डिसीडेंट बोलते हैं। अज इन्ह का परिवार अमृतसर के कड़ा करम सिंह विखे कौड़े वाली गली में इन्हों का परिवार मौजूद है। इन्हों के भाई साहब मेरे कोल बैठे ने। यह बहुत रहम दिल ते अच्छा राजा सी। एक छोटी जी रियासत जिस वेले दुनिया तो गया, इहदा बहुत वड्डा राज सी। दुनिया च एडा राज अज तक किसी का नहीं होया जिड्डा तकड़ा इहदा राज सी। अफगानिस्तान तो लैके अरब सागर तक सारा अरब कंट्री इहदे अंडर सी। बहुत सारे रूस वाले इलाके जिहड़े आ इहदे अंडर सीगे। बहुत तगड़ी सलसा सी और इहदी अच्छे गुण वेख के उत्थों दे जिहड़े उस वेले छोटियां छोटियां रियासतां सीगियां, 52 रियासतां इहदे नाल जुड़ गईयां। अज ही कंबोज विच 52 गोतां ने, उह 52 दे 52 राजे ने। उस वेले कबीले सन 84 कबीले, उह वी इहदे नाल जुड़ गए। 84 कबीले, उह वी 84 गोत्रा कंबोज
कम्यूनिटी कंपोज प्रारी मिलते हैं। जालंधर के एक निजी होटल में महिला वकीलों की ओर से तीज का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें महिलाओं ने रैंप वॉक, मॉडलिंग, तंबोला, गिद्दा और कई प्रकार की फन गेम्स खेलकर खूब लुत्फ उठाया। इस दौरान विजेता रही प्रतिभागियों को विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर अंजुबाला, मंजूबाला सहित अन्य महिला वकील भी मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनौजिया की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट बास्केटबाल एसोसीएशन जलंधर वालों इतने एक तीज का प्रोग्राम मना रहे हैं। सारी लेडी एडवोकेट्स इतने इकट्ठिया हुई हैं, अपना जो तिया का जो त्यौहार मना रही हैं। तो असी अपनी रेगुलर ब्लैक एंड वाइट लाइफ तो निकल के अज कलरफुल ड्रेसिस पाई हैं, असं इंजॉय कर रहे हैं। सो इसके लिए असं इतने इकट्ठे हुए हैं जी। असी तिया के लिए एक चीज़ ये देखी हैगी है कि जो कल्चर पहला तिया का भुलता जा रहा है तो वह हूँ दोबारा रिवाइव होया है। तो एक मॉडर्न अंदाज दे विच जिद्दां पहला तिया जिद्दां रुखां थले मनाईया जांदियां सीयां ते मेलियां च मनाई जांदी सी, हूँ जिहड़ा है अजकल मॉडर्न तरीके नाल मना रहा, हॉल्स विच मना रहा है। कि तिया कहिंदे किन्नू ने, तिया जदों लड़कियां नवीआं विआहियां जांदियां सन वो अपने पेके दे करी सौन दे महीने विच जांदियां सन। ये कहा जांदा सीगा कि सौन तो पहले जिहड़ा महीना भादों दा है उस महीने के लास्ट दिन विच ही जिहड़े कुड़ी दे पेके वाले ने उन कुड़ी नूं लैण आउंदे सी, ते जिहड़ा सौन दा महीना खत्म होण तों पहले जिहड़े सहुरे वाले ने वो फिर कुड़ी नूं उहदे पेकियां दे लैण जांदे हन। पूरा संधारा जिहड़ा आ, संधारा भी मैं तुहानूं दसणा चाहुंदी, संधारा किहनूं कहिंदे ने, पेकियां वल्लों भरा लै के आउंदा कुड़ी दे सहुरिआं दे घर, जिहदे विच मिठाई, होर गहने गट्टे प्लस जो भी सूट या सगन का समान हुंदा उहनूं लियाया जांदा है। तीज दीआं बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकां सारिआं नूं। मैं सिर्फ इन्ना कहना चाहूँगी कि अंजू मंजू मैम ने जिहड़ा ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है उहदे लई बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपां सारे अपने अपने प्रोफेशन च इन्ना बिजी हो गए हैं, सानू टाइम नहीं मिलता कि आपां कितें बाहर जाइए इंजॉय कर पाइए। तो शायद साल विच एक दो फंक्शन इन्हां दी वजह तो अरेंज हो जाते हैं, उहदी वजह तो साडा गैट टूगैदर हो जाता है। मैं एडवोकेट मुस्कान शर्मा सारे लेडी बार्ड ते स्पैशली अंजू मंजू मैम दा बहुत थैंक्स करना चाहनी हां कि उन्होंने इन्ना सोहना फंक्शन अरेंज किया। तो मेरे वालों सारिआं नूं तीज दीआं बहुत बहुत मुबारकां। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में गौ सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है। इसी उपलक्ष में निकाली जाने वाली प्रभात फेरियों की श्रृंखला के अंतर्गत मंदिर माता चिंतपूर्णी माँ छिन्न मस्तिका धाम कैलाश नगर से प्रभात फेरी निकाली गई, जो कि इलाके की परिक्रमा करते हुए वापस मंदिर प्रांगण पर आकर आरती के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर संस्थापक रवि प्रकाश कालिया, शैलेंद्र कालिया, सोनू मंचला कालिया, सत्या अरोड़ा, संगीता अरोड़ा, प्रवीण शर्मा, रंजना शर्मा, शिवानी शर्मा, विलम, नेहा शर्मा, संजीव शर्मा, शैली शर्मा, शेखर शर्मा, रेणु शर्मा, रितु, नीलम, शैलेंद्र महेंद्रू, कोमल महेंद्रू, राधिका मल्होत्रा, सुनैना धीर, डेजी, मनीषा खुल्लर, ईशा खुल्लर, प्रमोद महाजन, राखी कालिया ने पुष्प वर्षा कर प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया और अंत में प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट।
सिद्ध शक्ति पीठ श्री देवी तालाब मंदिर पावन सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी मां त्रिपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें सबसे पहले मां त्रिपुर मालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल द्वारा किया गया, जिसके पश्चात भजन गायक सोनू बंसी एंड पार्टी फिरोजपुर वालों ने मां भगवती के भजनों को गाकर उपस्थित मां भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। वहीं माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उपप्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, अरुण वर्मा, रमन शर्मा, मनीष शर्मा, राजू शर्मा, पवन मेहता, सुनील अरोड़ा, भूषण कोहली, अर्जुन मल्होत्रा, दमन मेहता सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। हाजरी मालिक तू मां चरणा च रखे होर की चाहिदा सानू की चाहिदा होर की चाहिदा दसो की चाहिदा होर की चाहिदा दसो की चाहिदा साडी हाजरी ओ साडी हाजरी साडी हाजरी मालक तू मां चरणा च रखे होर की चाहिदा साडी हाजरी मालक तू मां चरणा च रखे होर की चाहिदा ताली ताने मुक माए जाना है ओ जग दिया दौलतां ने मुक माए जाना है ओ जग दिया दौलतां ने मुक माए जाना है जिस घर में उस घर में रोज दिवाली है ओ लक्ष्मी का वास हो जिस घर में उस घर में रोज दिवाली पावन शक्ति पीठों में माँ भगवती जगदम्बा का अति सुंदर अति दिव्य तीर्थ स्थल है। जलंधर महानगर पंजाब में है, जे आप हम सब का परम सौभाग्य है। देवी तालाब मंदिर जलंधर के प्रबंधक कमेटी के सभी माँ के लाडले सेवक हमारे शीतल विज जी, श्री परविंदर जी, ऋषेश विज जी, सभी सेवक परकर परम भाग्यशाली हैं, नगर निवासी भाग्यशाली हैं, जिनको माँ की कृपा करुणा प्राप्त है, उनके दर्शन का परम सौभाग्य प्राप्त है। और विशेष रूप से हर शुक्रवार माँ के चरणों में माँ का ही गुणगान उनकी गोदी में बैठ करने का सौभाग्य हमारे इन भाग्यशाली परिवार को, इस मंडल को प्राप्त है। ये माँ की विशेष कृपा है। माँ कितना प्रसन्न होती है जब उनके उनके लाडले उनके चरणों में बैठ करके उनके ही गुणगान को करते हुए माँ की करुणामयी दृष्टि के करुणा कृपा भजन बनते हैं। मैं सभी संकीर्तन मंडल के लिए जिन पर माँ की विशेष कृपा है बहुत बहुत शुभ मंगल कामना करता हूँ। पर शुक्रवार तो आप माँ को रिझाती हैं, मेरा आपसे भाव है कि
ये जो 40 दिवसीय महा महोत्सव है, दिन में तो आपको काम धंधा रहता है क्योंकि सब आप बिजनेसमैन हैं, व्यवसाय है, पर सायंकाल हो सके तो 8 बजे आप माँ के दरबार में आईं। तो ऐसे ही नाम संकीर्तन के द्वारा हमारे प्रवीण हांडा जी, शहर के कई संकीर्तन प्रेमी उसमें आते हैं, तो आप भी आएंगे तो और आनंद आएगा भगवान के नाम का। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। सिद्ध शक्ति पीठ श्री देवी तालाब मंदिर में गौ सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले दोपहर 4 बजे से लेकर साय 6 बजे तक सामूहिक सुंदरकांड पाठ किए गए, जिसके पश्चात साय 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक श्री हरिनाम संकीर्तन एवं संत समाज द्वारा सत्संग किया गया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। इस मौके पर असंख्य भक्त जन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। परम पूज्य श्री कृष्णा जी महाराज के द्वारा जो आदेश हुआ गौ सेवा मिशन के अंतर्गत, ये दो शब्द ठाकुर जी का चर्चा करिए, ये सौभाग्य है मेरा, माँ के दरबार में माँ का कृपा है कि गुणगान प्रभु का सुनाए। हनुमान जी महाराज की चर्चा पे हम आप चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे। क्यों महाराज? क्योंकि भक्ति, राम जी की भक्ति तब मिल सकती है जब हनुमान जी के शरण में जाए। बिना उनकी कृपा से भक्ति नहीं मिल सकती। क्यों प्रभु? क्योंकि सेवक ही प्रभु के पास रहे। कहते हैं माफ क्या, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चा। परम दयालु कृपा मां जगदम्बा त्रिकुल मालिनी की कृपा कर्मों से उन्हीं के पावन तीर्थ स्थल देवी तालाब मंदिर में इन दिनों आप हम सब परम दयालु कली पावना अवतार भक्तमाल सुमेरु गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी का पावन 40 दिवसीय जयंती महामहोत्सव भगवत आराधना महायज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने, गुरुजनों ने मानवता के भले के लिए सनातन धर्म संस्कृति गौ माता की रक्षा के लिए अपने जीवन में बहुत बड़े परिश्रम किए हैं। वे धर्मियों के बड़े बड़े प्रकोप हुए, समय समय पर इन महापुरुषों ने ही धर्म संस्कृति मानवता गौ माता की रक्षा करी है। जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान, श्री रामानुजाचार्य वल्लभाचार्य महाराज, समर्थ गुरु रामदास जी साहेब, श्री गुरु नानक देव महाराज जी, कबीर महाराज जी, रविदास महाराज जी, वाल्मीकि महाराज जी, नामदेव महाराज जी, सब महापुरुषों ने ही समय समय पर विधर्मियों के आसुरों के प्रकोप से इस भारत की पावन धरा को बचाया है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं वही हूँ जो शुद्ध है, चैतन्य है, शाश्वत है। तो ये चिंतन जीवन में कैसे आएगा? जब भगवान का भजन करें, क्योंकि इस कलिकाल में भजन ही एक साधन है। और हम सब भाग्यशाली हैं,
कि हमको इस भारत की पुण्य भूमि पर जन्म मिला है। इस तरह की बरसात के अंदर आप लोग इस पंडाल में बैठ करके जो ये कथा कीर्तन श्रवण कर रहे हैं ना, हम लोग तो यहाँ फिर भी कर रहे हैं। भारत के अन्यत्र किसी भी जगह की ऐसी संस्कृति नहीं है, ऐसी संस्कृति नहीं है। और यदि आज वहां के लोग ऐसा कर भी रहे हैं तो वो भारत की संस्कृति का अनुगमन करते हुए ये सब कर रहे हैं, उनकी संस्कृति नहीं है। तो हम अपनी संस्कृति छोड़ रहे हैं। ये सिद्ध पीठ है भगवती का, ये भगवती का सिद्ध पीठ है, और सिद्ध पीठ के अंदर ऐसे सिद्ध महापुरुषों के द्वारा ऐसा सुंदर कार्य हो रहा है। सुभाष गोयल अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं। उनकी आत्मिक शांति के लिए रस्म उठाला गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में किया गया। इस मौके पर पंडित सोमनाथ पाठक ने श्री गरुण पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय सुभाष गोयल की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों में पत्नी रजनी गोयल, विनोद गोयल, प्रमोद गोयल, राकेश गोयल, सतवंत ठाकुर, रमन अग्रवाल, रमित गुप्ता, मिली अग्रवाल, रुचि गुप्ता सहित राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय सुभाष गोयल को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। सतवंत जी के नाल
भाईवाली शुरू करके बॉम्बे पिकनिक स्पॉट की स्थापना करनी है। भाईवाली 2-4, 5-7, 10 साल नहीं करनी, एक 40-40, 50-50 साल सुभाष जी ने सतवा जी नाल लैके बॉम्बे पिकनिक स्पॉट की स्थापना की। इतने ही बस नहीं, वो समा सी जिस वे असी लोग टेंट बार ला के गली महल्ले दे विच लड़की या लड़किया का विवाह करते सी। सब तो पहला जलंधर दे विच बॉम्बे पैलेस बनाने वाले सुभाष जी से। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर डालिए। बरनाला नानकसर रोड पर देर रात हुआ एक सड़क हादसा, एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। संगरूर नाभा रोड पर पेशी भुगत कर घर जा रहे 2 व्यक्तियों पर दर्जन भर से अधिक लोगों ने किया हमला, आंखों में मिर्ची डालकर जमकर की पिटाई। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।